स्पिनच और स्वीट चिली। सबसे पहले हम ओट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे सेम गैस पे ही कीजिए, नहीं तो ओट्स जल जाएंगे और हमें इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। ओट्स में बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, हमें इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम सूजी को भी हल्का रोस्ट करेंगे। सूजी को भी हमें हल्का कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। भुनी हुई सूजी से इडली बहुत सॉफ्ट बनती है। अब इसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने सूजी ली है, उसके बाद ओट्स का पाउडर, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पालक की प्यूरी डालेंगे, जो मैंने उबाल कर और ग्राइंड करके पेस्ट बनाई है। पालक हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी वेजीज है। पालक में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स विटामिन्स होते हैं और इसे हमें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अच्छी तरह इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे। दही आप थोड़ी थोड़ी करके डालिए। यहाँ पे हमें बैटर की कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना तो ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला। एक स्पिनच इडली में अप्रोक्सीमेटली 30-35 कैलोरीज होते हैं, इसलिए आप इस इडली को गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। अभी ये गोल हमारा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें दही डाल रहे हैं। अभी हमारा ये घोल थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये बैटर थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे अब हम इस बैटर को 10-15 मिनट के लिए साइड रख देंगे। टेम्परिंग के लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ½ टेबलस्पून जीरा, 1/2 स्पून राई दाना, 1 स्पून चना दाल, 1 स्पून उड़द दाल और इसे अच्छी तरह सेकेंगे। जब दाल हल्की सिक जाए तो इसमें हम 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज डालकर इसे अच्छी तरह सेकेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इस प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इडली में। प्याज को हल्का सेकने के बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी टाइम डालना पसंद करती हूँ, नहीं तो कड़ी पत्ता जल जाता है और जो टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हमारी टेम्परिंग भी तैयार है। हमारे बैटर को भी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बैटर में मिक्स करते हैं।
अब हमारा बैटर भी पूरी तरह से सेट हो चुका है। इसमें हम अपनी टेम्पिन मिक्स कर देंगे। एक तरफ मैंने स्टीमर भी गर्म करना रख दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करें। सारे सांचों को अच्छी तरह से भरकर इन्हें टैप कर दें। अब स्टीमर में इसे रख दें। ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इसे छोड़ दें। 10 मिनट बाद हम इसे नाइफ की हेल्प से चेक कर लेंगे। ये देखिए बैटर नाइफ पे नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारी इडली तैयार है। हमारी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली तैयार है। आप इसे धनिये की चटनी और कैचअप के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए।